हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका त्यागी और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मोनिकाज़ किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। और आज ये आइसक्रीम मैं आपको दो तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आपको दोनों में से जो भी तरीका आसान लगे तो आप उसी तरीके से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर से कोई भी क्रीम वगैरह लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस रेसिपी को। मोनिकाज किचन की सभी रेसिपी को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मोनिकाज किचन को, और साथ ही इस बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। और ये बिल्कुल फ्री है, इसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी ली हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। सबसे पहले हम इसके ग्रीन वाले पार्ट को हटा देंगे, और अगर यहाँ पर इसका जो ये वाइट वाला पार्ट है, अगर आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है तो इसे आप काट कर हटा दें, नहीं तो आप इसको इस तरह से चार भागों में डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सभी स्ट्रॉबेरी को काट कर तैयार कर लिया है, और अब हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो इसका पेस्ट बनाने के लिए मैं इसे यहाँ पर मिक्सी जार के अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से आप इसको ब्लेंड करके ले लीजिए। देखिए, एकदम स्मूथ प्योरी आप इसकी बनाकर तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, और इस बाउल को मैंने कुछ देर के लिए फ्रीज़र के अंदर रख दिया था, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है और इतनी ज़्यादा गर्मी में जो बर्तन है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ये क्रीम डाल रही हूँ, तो 1.5 कप मैं इसके अंदर ये क्रीम डालूँगी। और क्रीम आपको पता है मैं किस तरह से निकाल कर तैयार करती हूँ, दूध के ऊपर आई मलाई को छानकर ही मैं क्रीम बनाती हूँ। मेरी बाकी सभी आइसक्रीम की रेसिपी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप क्रीम बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक बीटर लिया है, तो 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से बीट करके लेंगे, या फिर तब तक आप इसे बीट कीजिए जब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं अपने नेक्स्ट तरीके में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसे मिक्सी जार से भी बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीम जो है पहले से काफ़ी थिक हो चुकी है, बस इसे ज़्यादा हमें इसे बीट नहीं करना है। तो अब हम इसके अंदर यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी का पल्प डाल देंगे, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर यहाँ पर ये कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। तो 1 कप भरकर मैंने ये कंडेंस मिल्क लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप इसके अंदर थोड़ा दूध डाल दीजिए, साथ में थोड़ा सा इसके अंदर चीनी डाल दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और कंडेंस मिल्क को अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में मैंने यहाँ पर इसके अंदर ये स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल दिया है। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। सभी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। अगर आपको ये थोड़ा थिक लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा दूध भी डालकर मिक्स कर सकते हैं। अब जैसे ही सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसे एक कंटेनर के अंदर निकाल देंगे। अब इसके ऊपर से मैं इसे यहाँ पर एक बटर पेपर से कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके लिए फॉइल पेपर ले सकते हैं, या फिर कोई भी पेपर ले लीजिए। पेपर को थोड़ा चिकना कीजिए, उसके बाद में आप उसके ऊपर से एक्स्ट्रा ऑयल को पोंछ दें, उसे भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 6 से 7 घंटे के लिए या फिर पूरी रात भर के लिए आप इसे फ्रीज़र के अंदर रखें। तो पूरी रात भर के लिए मैंने इसे फ्रीज़र में रखा, और आप देख सकते हैं इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ढक्कन के ऊपर आ गया है, नहीं तो हमारा जो ये मॉइस्चर है तो आइसक्रीम के ऊपर चला जाता, जिससे कि आइसक्रीम के अंदर आइस क्रिस्टल जम जाते। तो हमने इसको बटर पेपर से कवर किया था, इसीलिए इसके ऊपर जो आइस क्रिस्टल है वो नहीं जमा है। अब ये बहुत ही टेस्टी और एकदम क्रीमी हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सर्व करने के लिए तैयार है। प्लीज़ आप इसे एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। दूसरे तरीके से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी को छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। तो इसकी हम इस तरह से प्योरी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसके अंदर यहाँ पर कोई कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करेंगे, इसीलिए आप इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दें। मैंने यहाँ पर ये 3 बड़े चम्मच चीनी डाली है, और इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंड करके ले लेंगे। अब प्योरी को हम एक अलग बाउल के अंदर निकाल देंगे, और सेम ग्राइंडर जार के अंदर हम 1 कप दूध की मलाई डाल देंगे। मैंने यहाँ पर जो कच्चे दूध के ऊपर मलाई आती है तो उसे निकाल कर लिया है, और इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। इसे ब्लेंड करने के लिए आपको क्या करना है कि आप मिक्सी को थोड़ा चलाइए, रोकिए, चलाइए, रोकिए, इस तरह से आप मिक्सी को चलाइए। एकदम लगातार अगर आप इसे चलाते हैं तो इससे घी बनकर तैयार होगा। बीच बीच में आप इसका ढक्कन खोलकर चेक कर लीजिए, कहीं इससे मक्खन बनकर तैयार ना हो जाए। तो जैसे ही आप मिक्सी को एक बार चलाते हैं, रोकते हैं, इस तरह से इसको चलाते जाएंगे तो आपकी जो क्रीम है एकदम थिक बनकर तैयार होगी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी ये क्रीम दें एकदम थिक बनकर तैयार हुई है। इसके लिए आपको कोई भी इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिक्सी जार में आप आसानी से इसको कर सकती हो। अब जो हमने स्ट्रॉबेरी पल्प बनाकर तैयार किया है इसे भी हम इसके अंदर डालेंगे और सभी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से आपकी जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है एकदम क्रीमी और गाढ़ी बनेगी। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में मैंने इसे एक कंटेनर के अंदर निकाल दिया है और ऊपर से मैं इसको इसी तरह से बटर पेपर से कवर कर दूंगी। 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और बहुत ही टेस्टी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रीमी बनी है, कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि आगे आप किस तरह की रेसिपी को देखना पसंद करते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलना है तो इसके लिए आप मेरी वीडियो के नीचे यहीं शेयर पर क्लिक कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, यहाँ पर आपको एक लिंक नज़र आएगा। इस लिंक पर क्लिक करके वैसे तो आप मेरी सभी रेसिपी को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन जो भी मैंने लिंक बताए हैं तो वो लिंक मैं आपको अलग से शेयर कर दूँगी। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।